सबसे पहले हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है कि भैया दूज जब भी मनाया जाता है तो ठीक दीपावली के 2 दिन के बाद मनाया जाता है। इस समय 1 दिन बीच में गैप हो रहा है, उसके पीछे कारण है कि तिथि को बढ़ जाने के चलते, तिथि को घट जाने के चलते ये सारे कार्यक्रम आगे पीछे होता रहता है। रहा बात ये कि हमारे यहाँ बताया गया है कि जब माँ बहनें गोधन जब करती हैं तो उस समय अन्न आदि प्लस उपवास करके और अपने भ्राता के लिए, भाई के लिए, उनके लंबी उम्र से लेकर के तथा वो कहीं भी रहें, हर समय वो विजय प्राप्ति की ओर रहे, विजय प्राप्त करें। इसके चलते माँ बहनें हर समय जब भी उस कार्य को करती है, जो देहात में, गांव में जो लोग किया करती हैं, उसको जब जो सामग्री, उसको हम लोग मुसल बोलते हैं और ऐसे कुछ लोग गोधन भी कहते हैं, लेकिन उस मुसल से जो डंटा के माध्यम से जब कूटते हैं उसको, तब तो बोलते हैं सब करने के बाद कि मेरे भैया का कोई भी दुश्मन न रहे, मेरे भैया का कोई दुश्मन न रहे, इस तरह से उन लोग कहते हैं। लेकिन रामायण के अंतर्गत बताया गया है इसी बारे में कि रिपु जाके सुमिरन ते रिपु नाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिस प्रकार से लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, राम जी, भरत जी, अर्थात शत्रुघ्न जी के नाम को ले लेने से जब शत्रुओं का नाश हो जाता है, उनका विनाश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से बहन को इस कार्य में भाई के लिए आशीर्वाद मांगने पर भैया का कोई शत्रु नहीं रह जाता है। मेरे अनुसार से इसकी यही मान्यता है कि भाई के लंबी उम्र तथा उसकी जो शत्रुगण है कोई संसार में न रहे, इसलिए इस व्रत को मनाया जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण का एक मित्र थे, उन्होंने सोचा कि मैं, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण गोपियां के साथे रास करते हैं, उसी तरह से मैं भी करूं। लेकिन यह जब कृष्ण का रोल जब वो करना शुरू कर दिए तो गोपियां उन्हें नापसंद कर दी। लेकिन इस स्थिति में हुआ क्या कि वो अधिकतर जो है उनके साथ ईर्ष्या कर रही थी, अंत में उन्हें उनको प्राप्त करने के लिए, गोपियां को प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने प्राण को दान दाव पर लगाना पड़ा। तो जो नीचे आकृति बनता है वह भगवान श्री कृष्ण का मित्र का आकृति बनता है, लेकिन वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, लेकिन वो चाहते थे कि हम गोपियां के बीच में रहें। इसीलिए माँ बहने एक गोपियां के स्वरूप होकर के उनके पास पैरों से आगे लांघते हैं, जो संविधान है कि मतलब हम अगर आपके बीच में हैं तो हैं, इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण के मित्र को लांघती है। जो हमें ऐसे शास्त्र में तो अभी तक अध्ययन में नहीं मिला है, लेकिन जो लोकाचार में कहते हैं उसे मैं बता रहा हूँ। और वो उनको पैरों के पड़ने से उनकी खुशी होती है कि कम से कम मैं जिसको देखने के लिए यहाँ पर आया था वो तो मैं देख सका। तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र का वो आकृति है।